Hey, what's up and welcome to another video of my YouTube channel on Shashank Singh Fitness. और ये होने वाली है एक टूर वीडियो. हम आ रखे हैं उदयपुर, तो सारी मस्ती कितना हम इसको एंजॉय करने वाले हैं, साथ में कितने दिन की हमारी ट्रिप है और जो बजट है 8000, तो पूरी इटर्निटी के साथ बताऊंगा, डिटेल के साथ बताऊंगा कि आप इतने बजट में कैसे एंजॉय कर सकते हो अपनी पूरा टूर और अपनी पूरी ट्रिप फ्रॉम दिल्ली. तो बस एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लें. हिस्ट्री, पहले बात करते हैं उदयपुर की हिस्ट्री के बारे में. उदयपुर बसाया गया था कैपिटल ऑफ मेवाड़ के तौर पे जब मुगल एम्पायर ने चित्तौड़गढ़ को कब्जा किया था, तो महाराणा उदय सिंह जी ने यहाँ आकर सिटी बसाई. उसके बाद ब्रिटिश एरा में 1818 में ये एक ब्रिटिश की एक प्राइसलेस स्टेट बन गई और फिर 1947 में भारत की आज़ादी के बाद मेवाड़ राजस्थान का एक हिस्सा बन गया. अब बात करते हैं उदयपुर मैप की. जब भी आप उदयपुर घूमने जाएंगे तब वहाँ मैप कुछ ऐसा दिखेगा जहाँ उदयपुर की सारी अट्रैक्शन उदयपुर के साउथ पार्ट में बिखरी हुई दिखेंगी. और यहाँ के दो लेक्स जो सबसे ज़्यादा फेमस है, पहला लेक पिचोला जहाँ आपको ताज लेक पैलेस और जागवी मंदिर दिखता है, और दूसरा फतेह सागर लेक जहाँ नेहरू गार्डन और साइंस ऑब्जर्वेटरी दिखती है. अगर आप होटल्स लेना चाहते हो तो लेक व्यू होटल ज़रूर लेना क्योंकि वहाँ से व्यू बेस्ट दिखता है, या फिर ओल्ड सिटी में जो कि लेक सिटी के आसपास ही लें क्योंकि वहाँ से वॉकिंग टूर भी उदयपुर का अच्छे से घूम सकते हो. उदयपुर की कुछ अट्रैक्शन जैसे कि सज्जनगढ़ पैलेस और बोटैनिकल गार्डन तक पहुँचने के लिए आपको उदयपुर की सिटी सेंटर से ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट लग सकता है. टॉप प्लेसेस टू विजिट, सबसे पहला आता है सिटी पैलेस. अरावली हिल्स के बीचों बीच बसाया है सिटी पैलेस और ये उदयपुर की सबसे बड़ी शान है. इसके अंदर आपको यूरोपियन इरा के बहुत सारे एलिमेंट्स दिखने को मिलेंगे. इसको घूमने में आपको 1 से 1.5 घंटा लग सकता है और यहीं से आपको उदयपुर के 3 और अट्रैक्शन को देखने का मौका भी मिलेगा. यहीं से बोट लेकर आप घूम सकते हो लेक पिचोला और जग मंदिर भी, जिसके टिकट है 650 रुपीज पर पर्सन. सो टिकट हमने ले ली है, ये रही हमारी टिकट और इसमें हमारी 2 घंटे की वेटिंग जिसमें 2 शिफ्ट होती है, 1 3 बजे से पहले जिसकी पड़ती है 600 पर पर्सन और अगर आप 4 बजे से बात करो तो उसमें पड़ती है 800 पर पर्सन. तो ऑलरेडी इतनी वेटिंग है तो हमने अर्ली टिकट ले ली है और यहाँ पे खड़े से वेट करेंगे और जो पूरा मजा है वो आपको इसके बाद देखेंगे. सेकेंड, बोटिंग एट लेक. आपकी उदयपुर ट्रिप इनकम्प्लीट है अगर आपने बोटिंग नहीं करी तो. उदयपुर का लेक पिचोला में एक बार बोटिंग करना तो बनता है यार, और ज़्यादातर शाम को. इस बोट में 6 से 8 लोगों की कैपेसिटी होती है और ये शुरू होती है रामेश्वर घाट से जो लेकर चलती है विजिटर्स को लेक पैलेस, उसके बाद जग मंदिर जहाँ विजिटर्स एक खूबसूरत टाइम स्पेंड करते हैं और इस व्यू को एंजॉय करते हैं, और यहाँ से सनसेट देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस हो सकता है जो आप कभी नहीं भूल सकते. सो बोटिंग हो गई हमारी डन, काफ़ी मज़ा आया करने में और हम एंटर कर रहे हैं जग मंदिर आइलैंड पैलेस. पहली बार देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया कोई है. उदयपुर अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, चीज़ें दिख रही हैं सोशल मीडिया पे, पीपल आर कमिंग टू दैट, पहाड़ों वाली चीज़ों को थोड़ा सा कम कर रहे हैं. सो वी आर इन्जॉइंग, लेट्स सी, शाम होने तक वेट है. अभी 3:40 हो रहे हैं, 5 बजे तक शाम हो जाएगी और उसके बाद 6:30 तक हमें सनसेट. एनी हाउ यहाँ पे देख के फिर अपने बैक टू होटल करना है क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी चीज़ रिसआउट नहीं करना चाहते. राइट, एंड जितने भी लोग देख रहे हैं समडे देर टाइम टू कम, सो मेक श्योर यू आर वॉचिंग द सनसेट, या तो आप सनराइज या तो सनसेट, कोई भी एक चीज़ यहाँ पे स्टे करके जरूर देखना, चाहे वो एक्स्ट्रा टाइम लगे एक्स्ट्रा पड़ लगे, बट सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस, ये उदयपुर का सबसे ऊंचा फोर्ट है. इस जगह को बनवाया था 1884 में महाराजा सज्जन सिंह जी ने. ये 9 मंजिला बनवाया गया था एक ऑब्जर्वेटरी पर्पस के लिए. इस फोर्ट का काम था कि ये ऑब्जर्व करके बताए कि मॉनसून मतलब रेनी सीजन कब तक और कितने देर तक के लिए आएगा, और इसी काम के लिए इस जगह को लोकेशन सेट किया गया था. फोर्थ, करनी माता मंदिर, जिनके दर्शन करने के लिए आपको रोप वे का यूज करना पड़ता है, और ऊपर जाने के बाद आपको जो व्यू दिखता है वैसा व्यू आपको कहीं और नहीं.
देखने को मिलेगा। ये रोप वे सर्विस आपको 5 मिनट के अंदर अंदर पहाड़ी के उस पार पहुंचा देती है और इसकी टिकट पड़ेगी आपको 110 रुपीज, जो कि आने जाने दोनों साइड की है और आप कितना भी टाइम ऊपर स्पेंड कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज बाघों की हवेली, जो होता है 7 से 8 बजे, एंड दैट इज सो अमेजिंग। यहाँ पे अलग अलग कलाकार फोक डांस परफॉर्म करते हैं। 1 घंटे के शो में आप 1 सेकंड भी अपनी नजर नहीं हटा पाओगे। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब यहाँ आते हैं। वैसे तो ऑन सीजन में 2 शोज होते हैं, बट ऑफ सीजन में 1 शो ही होता है और सारे शोज पहले ही सोल्ड आउट हो जाते हैं, तो अपनी टिकट्स पहले ही बुक करवा लें। तो ये सारी लोकेशंस हमने कवर करी डे 1 में, और सारी लोकेशंस को देखने के बाद हम आ गए अपने होटल में और करी थोड़ी सी पूल पार्टी, और डांस खत्म करने के बाद हम सो गए क्योंकि कल का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला था। सो गाइस, आज है हमारा डे 2, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं कभी भी घूमने आता हूँ तो अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना कभी नहीं भूलता। तो मेरे साथ है Fuel 1 का आइसो मैक्स प्रोटीन, जिसमें मिलता है 28 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर स्कूप ऑफ सर्विंग। तो चाहे आपको गोल हो वेट लॉस करना या फिर मसल गेन करना, ये प्रोटीन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। और इस प्रोटीन की USP के बारे में बात करूँ तो ये है गुड इन टेस्ट एंड इजी टू डाइजेस्ट। चाहे आप प्रोटीन लो या फिर क्रिएटिन लो इनकी वेबसाइट से, डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड शशांक फोन फॉर फर्दर डिस्काउंट्स। आज हम निकल चुके हैं कुंभलगढ़ फोर्ट देखने के लिए, और एक चीज़, ये 6 बजे तक बंद हो जाता है जिसने हमको बताया। अभी हो रहा है 5:22, तो होपफुली हम आधे घंटे में पहुंच जाएं और अपना व्यू कैप्चर कर लें ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊं। एंड पीछे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है। पहुंच चुके हैं कुंभलगढ़ फोर्ट, मेरे पीछे जो आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अभी हैं हमारे पास ठीक आधे घंटे के अंदर हम इसके एंट्री करनी है। तो लेट्स गो। तो हमने 10 मिनट पहले एंट्री तो ले ली, अब धूप थोड़ी ज़्यादा हो रखी ऊपर, तो हम कुछ खा लेंगे, पेट में थोड़ा डालेंगे, उसके बाद हर एक जगह जाकर फोटो क्लिक करेंगे। सो भी बिजली आज हम घूमेंगे कुंभलगढ़ फोर्ट, जो 15th century में बनाया गया था बाय द किंग ऑफ मेवाड़ महाराजा कुंभा सिंह, जो है 3600 feet अबव सी लेवल। वैसे तो 30 से भी ज्यादा फोर्ट्स है राजस्थान में, लेकिन कुंभलगढ़ में इतना स्पेशल क्या है? ऐसा माना जाता है कि यह सेकेंड लॉन्गेस्ट वॉल है वर्ल्ड की, द कुंभलगढ़ वॉल। बट एग्जैक्टली कितनी लंबी है, तो ये बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है विद 36 किलोमीटर, और एक रेफरेंस दूं तो इक्वल्स टू 45 बुर्ज खलीफास टिप टू टिप। ये अरावली रेंज के बीचों बीच एग्जिस्ट करता है, और आप मानोगे नहीं, ये तब बना था जब मटेरियल्स को इतनी हाइट के हिल्स पे ले जाना नियरली इम्पॉसिबल होता था। इस वॉल के अंदर एक प्रोटेक्टेड जगह है जहां 360 से ज्यादा मंदिर है, जो कि आज भी इसकी खूबसूरती को दर्शाता है। सो गाइस, ये थी हमारी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई हो और आपने मज़े करो जितने मज़े हमने इसको बनाने में करे। और अगर चाहते हो ऐसी मैं और वीडियोस आपके सामने लेकर आऊँ, कोई नया टूर या ट्रैवल आप चाहते हो किसी जगह को हम प्लेस करें, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। एंड मेक श्योर यू विल सब्सक्राइब टू द चैनल, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी ऐसी और वीडियोज बनाने में। सो टेक केयर। प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया, तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है।